आपको प्रकृति का उत्सव भी दिखा देते हैं। रुक करते हैं हसीन वादियों का, जहां बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। प्रकृति ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों का अनोखा श्रृंगार किया है। बर्फ गिरने से, आपको बता दें कि बर्फ गिरने से इन इलाकों में पर्यटकों की दिली इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए बड़ी संख्या में सैलानी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। हालांकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में महसूस होने लगा है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियां, हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी तक बर्फबारी। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और अब जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड की दस्तक भी महसूस होने लगी है। आसमान से गिरती बर्फ की इन फाहों से कश्मीर घाटी की सुंदरता में और भी चार चांद लग गया है। ये तस्वीरें सोनमर्ग की हैं। यहाँ घर से लेकर सड़क तक हर जगह बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। हालांकि कश्मीर का ये नजारा सैलानियों के लिए किसी बहार से कम नहीं है। कोई घोड़े पर सवार होकर घाटी की सुंदरता को निहारता जा रहा है, तो कहीं बर्फ के बीच परिवार के साथ कोई मस्ती के मूड में दिखा। बर्फबारी का कुछ ऐसा ही नजारा पुंछ में भी है। यहाँ स्नोफॉल के बाद मुगल रोड पर मानो बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और सिर्फ रोड ही नहीं, सड़क के दोनों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। अब चमोली की इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। चट्टानों के बीच दर्रों में पानी की एक एक बूंद बर्फ की शक्ल ले चुकी है। नीति घाटी में झरनों का पानी भी अब जमने लगा है। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान -10 डिग्री से भी ज्यादा गिर चुका है। भले ही यहाँ रूह कपाने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन सैलानियों के लिए ये पसंदीदा जगह भी बनी हुई है। चमोली जनपद में हाड़ कपकपाने वाली सर्दी का सितम शुरू हो गया है। नीति घाटी दिन प्रतिदिन जमती जा रही है। नीति घाटी की ये तस्वीर है, जो बहते झरने हैं अब पूरी तरह से फ्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से जो भी पानी इस झरने से बहता था वो अब पूरी तरह यहाँ पे कठोर हो चुका है। ठंड भी इसके चलते बहुत जबरदस्त है, क्योंकि तापमान यहाँ पे दिन के समय में भी -10 तक लुढ़का हुआ है। ऐसे में हर तरफ पानी की बूंद बूंद यहाँ पे जमी हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से अब मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम शुरू हो गया है। सुबह शाम सड़कों पर कोहरा नजर आ रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। सात समंदर पार जर्मनी में भी भीषण बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि यहाँ सड़कें बर्फ के बीच कहीं खो गई हैं। घरों और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। यही नहीं, पेड़ों की टहनियाँ भी बर्फ से ढक गई हैं और पूरा इलाका मानो बर्फ की आगोश में समा गया है। हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी तक बर्फबारी का ये नजारा अगले कुछ दिनों तक यूं ही रहने वाला है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए इंतजाम भी बेहद जरूरी है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।